मालिक गुड आफ्टरनून सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू उम्मीद करता हूं कि आपका ये 2021 बहुत सारी संभावनाएं लेकर के आए तुम लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट लेके आए अच्छी हेल्थ लेकर आए परिवार में नई खुशियों का या सौगात हो और तुम हमेशा खुश रहो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो इस दुआ के साथ बिल्कुल चालू करते हैं मालिक कि आप लोगों का दिन बड़ा अच्छा बना रहे आप बहुत खुश रहे एंड हाँ जिंदगी में सारे ड्रीम्स पूरे करें उन लोगों को गाली मारें नहीं उन लोगों को अवॉइड कर दे जो आप लोग से कहते हैं कि आपसे कुछ ना हो पाएगा उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे जो ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते उन लोगों को बिल्कुल दिमाग में ना लाएं जो लोग ये कहते हैं कि तुम सही हो या सही नहीं हो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जियो खुद डिसाइड करो लाइफ में कहां जाना है कहाँ क्या करना है और हां इस टाइम पे सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना अपने पेरेंट्स का इसके अलावा किसी चीज का ख्याल रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यह सोनो मालिक चलिए आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर मैं देख रहा हूं सारे बच्चे हैप्पी न्यू ईयर के, के कमेंट कर रहे हैं तो बच्चे एक चीज बोलेंगे सर आप इतना हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हो आज के दिन छुट्टी ही दे देते बेटा छुट्टी क्या होती है छुट्टी कुछ नहीं होती है छुट्टी मतलब बस आप जिस चीज को एंजॉय कर सको वो चीज को आप छुट्टी कह सकते हो तो आज आप लेक्चर जरूर एंजॉय करोगे तो आपकी छुट्टी वैसी मन जाएगी ये सो नो यस तो हाँ जी तो एक जन ने लिखा है रितेश ने सर आप ही तो उस दिन कह रहे थे कि तुझसे ना हो पाएगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ उस एंगल में मोटिवेट करने के लिए था बाद में मैंने ही तुम्हें शाबाश भी कहा था नलायको ये भी तो देखो चलो मालिक पढ़ के तो तुम कुछ आए नहीं होंगे बोलो हां से यस हाँ सर हमने पढ़ाई तो कुछ की नहीं है मेरे डैड ठीक है इज इट्स टू वेरी गुड हेल्थ राइट नाउ एंड आई विश कि ऐसे ही चलता रहे आप लोग की दुआ बिल्कुल बरकरार रहे चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या सर आप कह रहे थे कि हमने चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर लिया है तो सर हमें यह बताइए कि क्या हमने मॉड्यूल भी कवर किया है या नहीं किया है यह आपके मन में एक जनरल सवाल है जो आता है या जो भी बच्चा लेक्चर लेने वाला होता है उसके मन में एक जनरल सा सवाल आता है कि क्या सर हम लोगों ने मॉड्यूल कवर किया है या नहीं किया है तो मैं आपके सामने कहा कि ऑनरेबल इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही आपको लेकर के आ जाऊँ टेंटेटिवली आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट uh, जो बेसिक चैप्टर होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूट का बिल्कुल सेम ही होता है इसके अंदर में कहीं कोई चेंज नहीं होता है नो yes no? तो सर आपके सामने मैं नो न्यू मॉड्यूल आए हैं जो न्यू मॉड्यूल आए हैं ये आपके सामने रख रहा हूं ये हो सकता है एज ऑफ ना आपको बेसिक दिखे क्योंकि ये उसकी एक कॉपी है जो स्क्रीन के ऊपर जहां ग्रीन पोर्शन होगा माइट भी ब्लैक दिख सकता है ये सोनो नो इंस्टीट्यूट का तो पूरा मॉड्यूल ही वैसा बना हुआ है तो सबसे पहले है बेसिक कंसेप्ट ये है आपके इंस्टीट्यूट द्वारा इशू जनहित में जारी ये yes नो no? तो सभी बच्चों के लिए ये नया मॉड्यूल इशू हुआ है आइए देखते हैं सबसे पहले तो चैप्टर का ओवरव्यू दिया है व्हाट इज टैक्स टैक्स के दो प्रकार आप लोगों के सामने रखे गए हैं एक है डायरेक्ट टैक्स दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स आपको नहीं लगता यह दोनों कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है फिर आगे गए उन लोगों ने कहा क्यों टैक्सेस लेवी किए जाते हैं फिर हम लोगों ने आपको याद होगा तो डिस्कशन किया था कि भैया गवर्नमेंट रोड डैम ब्रिज कनाल पोर्ट एयरपोर्ट बनाती है उसके लिए लगता है तो वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने याद दिया है पावर कहां से आया लेवी करने के लिए पावर टू लेवी द टैक्सेस याद होगा तो शेड्यूल टू आर्टिकल 246 हम लोगों ने पढ़ा था यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट आप लोग को कई बार ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या बोर कर रहे हैं ऐसा नहीं है जो चीज आपको दी हुई है उतना पूरा आपके सामने रखा जाएगा नो इफ नो बट ओनली कट टू कट कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को ऐसा लगे कि यार यू नो फाउंडेशन में तो मैं मॉड्यूल से पढ़ता था अब मेरा मॉड्यूल का टच तो कहीं छूट नहीं गया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साहब ये कभी नहीं छूटेगा क्योंकि वो चीज हमें कंसिडर करनी होती है और कोई भी टीचर ये चीज कंसिडर करता है हम तो एटलीस्ट कंसिडर करते हैं देख लीजिए स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 82 फिर ओवरव्यू ऑफ टैक्स दिखाया कि बॉस इनकम टैक्स एक्ट एनुअल फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स रूल्स सर्कुलर नोटिफिकेशन वही चीज को यहाँ पे डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन किया इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या होता है यहाँ पे उन्होंने देखो सेक्शन प्रोविजो एक्सप्लेनेशन वाले वर्ड पढ़ाए ये सारे वर्ड मैंने तुम्हें एक एक करके समझाया इसके बाद नीचे आओ फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किस तरीके से लाया जाता है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में कौन से रेट होते हैं इनकम टैक्स रूल्स सर्कुलर और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं ये सारी बातें ये सारी बातें हमारे भी नोट्स के अंदर में लिखी हुई है एट द सेम टाइम आपके इसमें भी है चैप्टर वन हर जगह सेम होता है एक बात आप याद रखिएगा ये बिल्कुल सेम होता है राइट right? इसके बाद केस लॉस क्या होते हैं हम लोगों ने वो देखा केस लॉस एक्ट दोनों में से दोनों भिड़ जाए तो पहले क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं ये एपिक्स बनते हैं वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है फिर लेवी टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल किस तरह से निकाला जाता है रेसीडेंट नॉन रेसिडेंट निकाले एंड कंप्यूटेशन किए फिर ग्रॉस टोटल इनकम एंड डिडक्शंस और फिर टैक्स कंप्यूटेशन होता है ये हमारे आगे का पार्ट है रिसेंटली देखिए 115 BAC के बारे में भी इंस्टीट्यूट बात कर रहा है 115 BAC के बारे में भी इंस्टीट्यूट बात कर रहा है ये मैंने भी आपको बताया था कि देख मालिक 115 BAC के बारे में वो लोग बात करेंगे ये बात यहाँ पे है फिर ये देखो सरचार्ज रेट के बारे में 87 A के बारे में एडवांस टैक्स के बारे में टैक्स पेबल निकाला फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी सबसे पहली डेफिनेशन दी एस की डेफिनेशन क्या हम लोगों ने यह डेफिनेशन पढ़ी है सर यस yes, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है यस yes? अच्छा जी असेसमेंट और पर्सन असेसमेंट और पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट फिर इंडिविजुअल एच यू एफ को उनने एक्सप्लेन किया है ये दो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ दया भागा मिताक्षरा के बारे में भी उन्होंने कहा फिर हम आगे बढ़े कंपनीज के बारे में उन्होंने कहा डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन उन्हें दिया है ये डेफिनेशन मैंने कंपनीज के बारे में आपको अभी नहीं पढ़ाई है क्योंकि मैं उसको आगे पढ़ाऊंगा एक समय पे फिर फर्म के बारे में उन्होंने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों के बीच में डिफरेंस एजेपी फिर इनकम की डेफिनेशन उन लोगों ने बताई ये हम लोगों ने भी कंसिडर करी हुई है इनकम की डेफिनेशन को फिर आपको याद हो तो कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में भी डिस्कशन हुए वो यहाँ दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट द्वारा याद होगा तो कल हमारा इसके ऊपर डिस्कशन चालू था लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर सौराष्ट्र का केस हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर बेस था वो यहां आ गया इंडिया की डेफिनेशन हम लोगों ने कंसिडर करी हुई है इंडिया की डेफिनेशन आ गई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हम लोगों ने देखा था वो यहां आ गया प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अनडिस्कलोज सोर्स ऑफ इनकम आगे आएगा वो यहां पे सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है हम लोग उसको पीजीबीपी में कंसिडर करेंगे जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर और उसके कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये देखो यही वो सारे एक्सेप्शन है पर्सन लिविंग इंडिया ए ओपी बी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यूड बिजनेस एटसेट्रा फिर सेक्शन फोर ने आपके ऊपर चार्ज लगाया था चार्जिंग सेक्शन था ये है वो सेक्शन नंबर फोर रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग ये है रेट ऑफ टैक्स आप देख लीजिए यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है शॉर्टकट के साथ राइट right? फिर ये कल जो सर्कुलर हम लोगों ने पढ़ा था ट्वेंटी एट टू अगर कोई फर्स्ट अप्रैल के दिन आता है तो उसका क्या होगा वो प्लस यहाँ पे देखो उन्होंने 115 एंड के बारे में भी कुछ कहा है 115 एंड के बारे में भी कुछ कहा है ये आप मॉड्यूल देखेंगे तो वैसे ही समझ जाएंगे रही बात क्वेश्चंस की तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ने कंसिडर किया हुआ है राइट right? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपनी के लिए आपको याद आ रहा है कंपनी कंपनी के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कशन किए थे तो यहाँ पे 115 एंड फिफ्टीन बी ए बी हंड्रेड बी ए के बारे में डिस्कशन भी है जो मैंने आपसे कहा था कि बॉस आप जाओगे तो ये डिस्कशन देखोगे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं फिर सरचार्ज के बारे में जो अमेंडमेंट आई है सरचार्ज के बारे में जो अमेंडमेंट आई है वो यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्कस्ड है सेम वैसा ही एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने हमारे बुक के अंदर में कंसिडर किया हुआ है उसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने भी लिए हुए अपन ने भी लिए हुए फिर आता है मार्जिनल रिलीफ ये बात तो हमने कल ही करी थी कि भैया ये कोई एक्चुअल रिलीफ नहीं है ये नाम का रिलीफ है ये कोई एक्चुअल रिलीफ नहीं है फिर रिबेट की बात करी उन्होंने फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से इसकी बात करी और चैप्टर यहां पे खत्म हो गया नीचे उन्होंने चैप्टर्स टू रिकुलेट दिया हुआ है और इस तरह से ये देखिए टेस्ट योर नॉलेज के तौर पे उन्होंने सबसे पहले ही क्वेश्चन दे दिया हु इज असे आपको टू सेवन लिखना है पूरा का पूरा स्टेट एनी फोर कम सरकम टाइस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज अबल इन प्रीवियस ईयर इल्फ इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर कौन सा क्वेश्चन है जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर उसके एक्सेप्शन पूछे हैं कितने एक्सेप्शन पूछे आपसे चार एक्चुअल कितने एक्सेप्शन है पांच पर आपसे कितने पूछे हैं चार यस और नो यहां पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म लेकिन हमने इससे ज्यादा प्रॉब्लम कवर किए इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स कवर किए और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कंसिडर करी यस और नो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसको भी आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर एनजीओ एनजीओ किसके अंदर में आएगा एक सवाल मुझसे आयुषी पूछ रही है यहां पे एनजीओ किसके अंदर में आएगा एओपी या एजीपी के अंदर में बेटा जनरली जो एनजीओ होते हैं एनजीओ दो फॉर्म में रजिस्टर हो सकते हैं एक एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकते हैं एनजीओ या एज अ कंपनी भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं जिसको हम लोग सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनी कहते हैं अगर वो सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनी होता है तो उसको फिर क्लासिफिकेशन कंपनी के तौर पर मिलेगा अगर वो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में हमें यह देखना होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है अगर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो वो तो एओपी के कैटेगरी के अंदर में आएगा अगर यही ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसको गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी तक के नहीं मिला है तो ऐसे केस में वो एजेपी के अंदर में क्लासिफाई हो जाएगा ठीक है जय मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं सर शेड्यूल 1 टू 14 क्या है बेटा शेड्यूल क्या होता है इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनकम टैक्स में ऐसे 14 शेड्यूल्स है एज ऑफ नाउ तो वो वहां वो लिखा हुआ है कि 1 टू 14 शेड्यूल है राइट मालिक ओके सर चलिए तो आते हैं हम लोग एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आज हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस आज के लेक्चर के लिए आपको इसके नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यू ईयर में एक अच्छी खबर यह दे दू कि हमारे नोट्स ऑलरेडी प्रिंटिंग के अंदर में है मे बी हम लोग इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय टू डेज मतलब आज और कल के अंदर में हम लोग मैक्सिमम इसे क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर हम लोग ये बुक की डिलीवरी भी या पेन ड्राइव के जो ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट हैं गूगल ड्राइव के ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया

और एक पेज इंडेक्स के लिए छोड़ देना यहां डाल देना सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स और यहां डाल देना पेज नंबर उम्मीद यही करता हूं कि आपने अब तक पेज नंबर डाल दिया होगा पर अगर आपने पेज नंबर नहीं भी डाला होगा तो यहां से चालू कर दो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। अब करना क्या है आपको आपको आपके रजिस्टर का इंडेक्स भी बनाना है फॉर एग्जाम्पल ये पेज पूरा इंडेक्स के लिए छोड़ दिया अब आप जो तो चालू करोगे वो टू से चालू करोगे टू टू के अंदर में लेट से आपने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल लिखा तो आप उसका यहां अपने पेज नंबर दे हुए इससे होगा ये कि आप अपने रजिस्टर को भी क्रोनोलॉजिकली सेट कर दोगे जब सेल्फ स्टडी करोगे या रिवाइज करते रहोगे आपको चीजें कहां लिखा था कहां लिखा था कहां लिखा था ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी

बैच के अंदर में तो मैं आपके बाजू आकर के ये चीज़ देखता कि आपने ये चीज़ करी है या नहीं करी है बट वर्चुअल्स पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये चीज़ खुद के लिए करनी है आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना है मालिक तो चैप्टर इंडेक्स यहां से बनाना है अगर पहले बुक के पहले के पेजेस पहले बेसिक एंड टैक्स कैलकुलेशन में पेज नहीं भी लिखे होंगे उसको छोड़ दो यहां से टू पॉइंट वन चालू कर दो काम खत्म गेटिंग इट और नॉट और रजिस्टर के सबसे आगे ये पूरे इसका इंडेक्स बनेगा चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस की बात हम करने जा रहे हैं यह एक ऐसा टॉपिक है जिसने फाइनेंस एक्ट 2020 में भयानक चेंजेस किए फाइनेंस एक्ट 2020 में भयानक चेंजेस है जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं और जिन्हें नवंबर 20 दिया हुआ है मैं आप लोगों को बता दूं बहुत बड़े चेंजेस इस चैप्टर के अंदर में किए गए हैं थ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स एंड एच यू एफ विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स नॉट एच एफ विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स दो स्पेसिफिकली हुर इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इनके लिए कुछ अच्छे खास चेंजेस लेकर के आए हैं लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं जिन्हें रेसिडेंट का मीनिंग ही नहीं पता मैं उनके लिए भी बता दूं आपके लिए चैप्टर था ट्रिकी कर देगा ट्रिकी इस एंगल में करेगा कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन छुपी है क्या क्योंकि इसके बेसिस पे आपके जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है इसका मीनिंग इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि अगर आपको हिस्ट्री याद हो तो इनकम टैक्स में कई टाइम किसी टाइम पे एक टाइम पे लिखा था इंडियन इनकम टैक्स और इंडियन वर्ड को स्क्रैप कर दिया गया था डिस्कशंस पे राइट right? क्यों किया गया था ऐसा ताकि कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में आकर के अगर इनकम कमा रहा है तो हम उस पे टैक्स लेने का पावर रखें बराबर है इसीलिए आज अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आता है और यहां से कोई इनकम कमा करके लेके जाता है तो ऐसे केस में भारत सरकार उससे टैक्स कलेक्ट करने का पावर रखती है बिकॉज ऑफ दिस इशू ओनली दूसरी बात क्या रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एक सरी का टैक्स पे करते हैं आंसर इज नो रेसिडेंट्स को कई बेनिफिट्स अवेलेबल है वेयर एज नॉन रेसिडेंट्स को भी कई बेनिफिट्स अवेलेबल है तो ये डिपेंड करता है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है और उस हिसाब से उसके टैक्स कैलकुलेशंस बदल सकते हैं फॉर एग्जांपल कई डिडक्शन इनकम टैक्स में ऐसे दिए हुए हैं जो सिर्फ रेसिडेंट को मिलेंगे नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेंगे अब अगर कैलकुलेशन किया जा जाए इफ एस इज रेसिडेंट तो उसकी इनकम डिडक्शन के बाद कम हो जाएगी जबकि नॉन रेसिडेंट की नहीं होगी हालांकि अगर बेसिक एक्जम्शन लिमिट की बात करें तो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को बेसिक एक्जम्पन लिमिट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का बेनिफिट तो है ही पर डिफरेंस क्या है उसकी एज सिक्सटी अबव भी हुई तो भी टू फिफ्टी है उसकी एज एटी अबव हुई तो भी टू फिफ्टी है बराबर है कि नहीं इसी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना टैक्स कैलकुलेशन का सबसे पहला स्टेप माना जाता है हमने टैक्स कैसे कैसे निकालते हैं देख लिया अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि इनकम कंप्यूट की जाती है रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे बनता है ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आती है और फिर उस पर टैक्स कैसे आता है हमने एक स्टेप तो कर दिया टैक्स कैसे आता है अब हमें यह समझना होगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है सर क्या इंपॉर्टेंस रखता है यह चीज ये इतना इंपॉर्टेंट है ये आपकी टोटल इनकम को बदलने की पावर रखता है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के बेसिस पे और जैसे ही आपकी टोटल इनकम बदलेगी बाय डिफॉल्ट में आपके टैक्स लाइबिलिटी पे इसका इंपैक्ट होना ही होना है दूसरी बात कई बार नॉन रेसिडेंट को कई कंसेशनल रेट्स भी दिए हुए हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस जब आप देखते हैं पेपर सेवन तो उसके अंदर में एक टॉपिक आता है प्रॉपरली नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन सी फाइनल इंटरनेशनल टैक्स पेपर सिक्स के अंदर में भी एक टॉपिक आता है एनआर टैक्सेशन जो बहुत बड़ा वेटेज प्ले करता है वहां पे आपको इसके टैक्स रेट्स के बारे में पता चलता है इंटर में आपको इनके टैक्स रेट्स के साथ बहुत ज्यादा नहीं खेला जाता ना ही नॉन रेसिडेंट के प्रोविजंस बहुत सारे कवर्ड है बट हां नॉन रेसिडेंट की टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी वो इस चैप्टर के अंदर में समझ में आएगा अब आपके मन में एक और सवाल उठना चाहिए कि सर रेसिडेंट रेसिडेंट और नॉन मैं कैसे पहचानूंगा क्या उसका स्किन कलर देख के मैं पहचानूंगा कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है जो जनरली आमतौर पर हम करते हैं कि भैया हमारे कैटेगरी का, का नहीं दिख रहा तो ये शायद बाहर के देश से आया होगा तो क्या मैं स्किन कलर राइट स्किन कलर को देख के पहचानूंगा कि कौन रेसिडेंट है कौन नहीं आंसर इज नो अच्छा सर क्या मैं उसकी भाषा को देख करके पहचानूंगा आंसर इज नो no. सर वो कहां पैदा हुआ है इसको देख करके पहचानूंगा आंसर इज नो no. तो फिर तो फिर यहां पे खुद के लॉ बनाए गए हैं कि कब किसी व्यक्ति को रेसिडेंट कंसिडर किया जाए कई बच्चों के मन में एक और सवाल उठता है क्या रेसिडेंट और सिटीजन एक ही चीज है क्योंकि अब तक इंडिया में जो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा है वो देखा है इंडियन सिटीजन और आज आप मुझे एक नए इंट्रोड्यूस करा रहे हो रेसिडेंट तो सर जो सिटीजन है वो बाय डिफॉल्ट में रेसिडेंट यहां का रहवासी भी तो हुआ नहीं हम हिंदी के प्लेन शब्दों में जैसे समझते हैं कि भैया ये सिटीजन है तो ये रेसिडेंट होगा ही यहां वैसा नहीं है यहां कुछ डिफरेंट तरीके से उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है इंडिविजुअल एच यू एफ कंपनी और अदर एस के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के तरीके बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग है और इनके रूल्स एंड फॉर्मुलेशन भी अलग है तो ये चैप्टर हमें क्या क्या सिखाएगा ये चैप्टर सबसे पहली चीज हमें सिखाएगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है इंडिविजुअल कब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बनेगा एच कब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बनेगा कंपनी कब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बनेगी और फर्म कब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बनेगी राइट एट द सेम टाइम दिस चैप्टर विल टीच अस इफ फर्स्ट यू डिसाइड दैट इट इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखिए टोटल इनकम क्या निकालेंगे टैक्स तो इसीलिए वो हमें बताता है कि अगर आप रेसिडेंट हो तो आपकी टोटल इनकम यह आएगी अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपकी टोटल इनकम यह आएगी और उस हिसाब से आपका टैक्सिलिटी अराइज होती है इसी के साथ साथ चैप्टर हमें तीसरी चीज सिखाता है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम यह चैप्टर हमें एक और चीज सिखाता है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अब ये टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम मतलब क्या होता है यानी इस चैप्टर को मैं तीन पार्ट में तोड़ रहा हूं एक पहले हमें ढूंढना है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है दूसरा हमें ढूंढना है कि इनकी टोटल इनकम कैसे निकालते हैं और तीसरे पार्ट पे हमें ढूंढना है कि इनकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी अब आप ये पूछेंगे सर ये टैक्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है टैक्सेबिलिटी मतलब सपोज कीजिए मिस्टर विराट कोहली उन्होंने इंडिया में कुछ एंड्रॉसमेंट की यू you नो know, उससे इनकम कमाई फॉरेन में जाके फॉरेन एंड्रॉसमेंट की फॉरेन एडवर्टीजमेंट की और वहां से भी पैसा कमाया तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि विराट कोहली जी है तो इंडियन पर इन्हें क्या टैक्स इंडिया के अंदर में देना है या टैक्स फॉरेन में देना है या दोनों जगह देना है इसे हम कहते हैं टैक्सेबिलिटी कहां देना है एट द सेम टाइम फॉरेन का कोई व्यक्ति यहां आया लेट से सानिया मिर्जा एज ऑफ नो नॉन रेसिडेंट ये उनकी शादी पाकिस्तान में हो चुकी है एज ऑफ नो नॉन रेसिडेंट अब पाकिस्तान से वो कुछ इनकम कमा रही है और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ और इनकम कमा रही है तो नॉन रेसिडेंट है पर इंडिया से कुछ इनकम कमा रही है इंडिया में कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है उससे कुछ इनकम कमा रही है लेट से सोली टेलीविजन पे कपिल शर्मा शो में आने के लिए उन्हें कुछ ऑनरियम मिला तो इससे कुछ वो इनकम कमा रहे हैं यह इनकम इंडिया में टैक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या क्या रूल है यह सारी चीजें टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम के अंदर में आएगी तो चैप्टर तीन पार्ट के अंदर में डिवाइडेड 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 है 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 एवरीबॉडी चैप्टर चैप्टर कितने पार्ट पार्ट के अंदर में है, तीन पार्ट के अंदर अंदर में में तीन सबसे पहले बताओ मुझे किस पार्ट में डिवाइडेड है पहला रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं दूसरा टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी और तीसरा टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम कैसे आएगी ये yes सोनो no? इन तीन पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है अच्छा जी सर यहां हम कौन से कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर वन टू फोर हम लोगों ने कहा पढ़ा सेक्शन नंबर वन टू फोर हम लोगों ने कहा पढ़ा चैप्टर नंबर वन में सेक्शन नंबर टू हमें इस चैप्टर में पढ़ना है यहां पे और चार सेक्शन पढ़ने हैं सेक्शन नंबर फाइव टू सेक्शन नंबर नाइन अच्छा जी सर सर एक और सवाल है मेरे मन के अंदर में ये चैप्टर कितने मार्क्स को हिट करता है सर ये चैप्टर करीब सिक्स टू एट मार्क्स को हिट करता है हालांकि ये चैप्टर मैंडेटरीली नहीं है आएगा ही पर ये छे से आठ मार्क को हिट करता है ये चैप्टर छह से आठ मार्क कभी भी चैप्टर से आ सकते हैं सर मे ट्वेंटी है हा मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन या जून ट्वेंटी वन डिसंबर ट्वेंटी वन में कंफर्म इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा क्यों क्योंकि इसके अंदर में है भाई साहब बहुत सारे अमेंडमेंट्स क्या है इसके अंदर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है चलो सर तो कुल मिलाकर के सारा नक्शा आपके सामने रख दिया मैंने आगे बढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस सर कुछ और फैक्ट्स हमें जानने हैं क्या रेसिडेंशियल स्टेटस यानी एक बार आदमी रेसिडेंट हो गया तो दोबारा कभी वो रेसिडेंट ही रहेगा या नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ डेज वो कितने इंडिया में है इसके ऊपर हेंस रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसी एक्टिविटी है जो हर प्रोफेशनल को हर साल करनी पड़ती है मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार रेसिडेंट हो गया तो दोबारा कभी भी वो रेसिडेंट होगा ही नहीं यह हर बार डिपेंड करता है कि बॉस वो रेसिडेंट होगा या नहीं यह हर साल हमें चेक करना पड़ता है यह हमारी बनती है है एज अ प्रोफेशनल डिटरमाइन करने की ठीक सर सर एक और सवाल मेरे मन में आया है क्या एक व्यक्ति मल्टीपल जगह पे रेसिडेंट हो सकता है एट द सेम टाइम मतलब मैं इंडिया में भी रेसिडेंट हूं और किसी और कंट्री में भी रेसिडेंट हूं क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सर कैसे पॉसिबल है इंडिया का लॉ कहता है कि अगर आप इंडिया में 182 डेज भी रह गए तो आप रेसिडेंट है वैसे ही हो सकता है पाकिस्तान का लॉ ये कहता हो कि अगर आप हमारे यहां हंड्रेड डेज भी रह गए तो आप रेसिडेंट है अब ऐसे केस में क्या होगा कोई व्यक्ति लट से वन डेज इंडिया में रह गया वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया नेक्स्ट हंड्रेड डेज वो पाकिस्तान में रह गया तो वो पाकिस्तान का भी रेसिडेंट हो गया और बचे हुए दिन वो किसी और कंट्री के अंदर में चले गया लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे देखो तो वो इंडिया के भी रेसिडेंट हो गए और पाकिस्तान के भी रेसिडेंट हो गए सर अगर वो दोनों जगह के रेसिडेंट हो गए तो फिर कैसा होगा चैप्टर में बताएंगे वो हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी के अंदर में वो हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी पर अगर सवाल ये है कि बॉस एक व्यक्ति दो जगह रेसिडेंट हो सकता है क्या तो उसका जवाब आएगा यस बिल्कुल हा 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 वो हो सकता है अब एक और सवाल पे फिर से लौटता हूं क्या रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप एक ही है या अलग अलग चीज है बिल्कुल अलग अलग चीज है साहब हमने ध्यान से सुनना हमने इनकम टैक्स में सिटीजन वर्ड अडॉप्ट ना करके हमने रेसिडेंशियल स्टेटस वर्ड अडॉप्ट किया इसका सवाल आपके मन में आना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आप और मैं तो एवरेज बच्चे अपन तो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं अपने को क्या पता कि ऐसा क्यों हुआ सिटीजन और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों एक ही चीज क्यों नहीं है क्यों ये अलग अलग है और इनकम टैक्स में हमने सिटीजन वर्ड अडॉप्ट ना करके रेसिडेंट क्यों अडॉप्ट किया बहुत गहरा रीजन है इसके पीछे बहुत गहरा रीजन भाई साहब समझ में आएगा तो जरा दाद देना इस बात की सर रीजन ये है सिटीजन अगर हम वर्ड यूज कर लेते तो हम उन्हीं पे टैक्स लगा पाते जो इंडिया के सिटीजन हैं इंडिया के सिटीजन का मतलब क्या जो यहां पे बॉर्न हुए हैं हम सिर्फ उन्हीं को टैक्स लगा पाते क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के लिए कुछ राइट right है फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन को मिलते हैं वो रेसिडेंट को नहीं मिलते वो सिटीजन को मिलते हैं सिटीजन मतलब जो इंडिया में बॉर्न हुआ इंडिया में वर्क कर रहा है जनरली हम उसे सिटीजन कहते हैं इंडियन पासपोर्ट भी सिटीजन को मिलते हैं इंडियन पासपोर्ट भी किसको मिलते हैं सिटीजन को मिलते हैं अगर हम इनकम टैक्स में सिटीजन वर्ड यूज कर लेते तो हम सिर्फ उन्हीं को टैक्स लगाने का पावर रखते जो इंडियन सिटीजन हो हमने चालाकी की हमने चालाकी की हमने सिटीजन वर्ड को गायब कर दिया क्यों फायदा क्या हुआ अब हम उसको भी टैक्स करने लग गए जो इंडियन सिटीजन नहीं है फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन इन लेट से नाइन के पीरियड में एक बार इंडिया आए बराबर जब माइकल जैक्सन इंडिया के अंदर में आए और उन्होंने यहां पे परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस के समय इसमें बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट हुआ इसके ऊपर तो फिर टैक्स लग ही नहीं सकता था अगर हम सिटीजन वर्ड यूज कर देते क्यों क्योंकि माइकल जैक्सन साहब तो इंडियन सिटीजन थे ही नहीं पर इंडिया से इनकम तो कमा के लेके जा रहे हैं यस yes. अगर हम सिटीजन वर्ड यूज कर लेते तो एमेजोन फ्लिपकार्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर और ऐसी अन्य बड़ी कंपनी इंडिया में आती इंडिया में आती और कमा करके लेके चल जाती हम टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पाते हमने सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया हमने इंस्टेड एक जबरदस्त वर्ड यूज किया रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या आप सिटीजन कहां के उससे कोई लेन देन ही नहीं है अगर आप इंडिया में सर्टन नंबर ऑफ डेज रहते हो या इंडिया में डिसीजन मेकिंग होती है या इंडिया के अंदर में होता है, तो आप रेसिडेंट तो कि तो हमें क्या समझ में आया सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर डिफरेंट कंसेप्ट एंड इस डिफरेंट कंसेप्ट के तहत क्या होता है कि ये अलग अलग रखा जाता है तो ये देखिएगा टोटल इनकम ऑफ नॉट बी कंप्यूटेड वर्ड देखिएगा

पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री ऑफ एनी प्रीवियस ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में वन एटी टू डेज का लॉ है पाकिस्तान में हंड्रेड का हो सकता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकता है तो एक व्यक्ति एक ही टाइम पर मल्टीपल जगह रेसिडेंट रह सकता है सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसा कि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है सिटीजनशिप इज नॉट इक्वल टू रेसिडेंशियल स्टेटस यस कौन प्रूव करेगा कि मैं रेसिडेंट था या नहीं था इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए जनरल ये होता है कि वो रेसिडेंट है वो रेसिडेंट नहीं है या नॉन रेसिडेंट है इस बात को प्रूफ करने का जिम्मा डिपार्टमेंट के ऊपर होता है किसके ऊपर होता है डिपार्टमेंट सो इंडिविजुअल और कंपनीज बर्डन लाइज ऑन डिपार्टमेंट कि ये रेसिडेंट था या नहीं था एच यू एफ एल एल आर रेसिडेंट लोगों को देना होगा बाकी अदर केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पर डिपेंड करता है कि कहां से आया है डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही है कैसे हो रही है वो सारी चीजें इनमें से आपको क्या याद रखने की जरूरत है जो आपको रजिस्टर में भी लिखना है आइए मैं बताता हूं रजिस्टर चालू कीजिए लिखिए बेसिक्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट नंबर वन रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच ईयर। सेकेंड सिटीजनशिप इज नॉट इक्वल टू रेसिडेंशियल स्टेटस ये शॉर्ट फॉर्म हम यहां लिख रहे हैं एग्जाम में नहीं चलेगा एग्जाम में पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस लिखना होगा हम यहां पे लिख रहे हैं थर्ड यहां पे भले आप लिख दीजिए डोंट यूज शॉर्टकट हम जरूर ये कर रहे हैं बट एग्जाम में ये नहीं करना है पर्सन कैन बी रेसिडेंट Of more than one country at the same time, residential status helps in determining the total income. मालिक बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे रेसिडेंशियल स्टेटस कितने लोगों के लिए निकाला जाता है बेसिकली चार ध्यान से तो सुनना रेसिडेंशियल स्टेटस को चार सबसेक्शन में डिवाइड किया गया है मैं आपको इसके पहले इसका लर्निंग सीक्वेंस बताता हूं रजिस्टर में वापस आइए रीड दिस चैप्टर इन फॉलोइंग सीक्वेंस ये लिखिए कि इस चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है जैसे कि मैंने कहा सेक्शन पांच छ सात आठ नौ इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको सेक्शन छ छ से जाना चाहिए सेक्शन नंबर पांच पांच से जाना चाहिए सात आठ और नौ सीक्वेंस होना चाहिए आपके पढ़ने का अगर इस सीक्वेंस के अंदर में मालिक तुम चैप्टर पढ़ोगे ना बॉस तो तुम्हारे को डायरेक्ट इधर नहीं इधर जाएगा इधर नहीं इधर जाएगा डायरेक्ट ये चैप्टर तो हम सबसे पहले छह पढ़ेंगे कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है फिर हम सेक्शन सात पढ़ेंगे कि टोटल इनकम कैसे आएगी और फिर हम सेक्शन सात आठ नौ पढ़ेंगे कि टैक्सेबिलिटी कैसे होगी बराबर है तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस बताएगा ये हमें बताएगा टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करना है सात आठ नौ ठीक है चैप्टर लंबा है आगे से ध्यान से सुनना सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस चार कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए डिवाइड किया जाता है सिक्स वन इंडिविजुअल सिक्स टू एच यू एफ सिक्स थ्री कंपनी सिक्स फोर अदर पर्सन आई रिपीट वापस से याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका बेटा याद रखने का सिंपल तरीका रोमैंसिंग टैक्सेशन एक आदमी इंडिविजुअल होता है सिक्स वन एक आदमी इंडिविजुअल होता है सिक्स वन दो लोग मिलकर घर बनाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिक्स टू दो लोग मिलकर घर बनाते हैं कंपनी तीन प्रकार की होती है पब्लिक प्राइवेट ओपीसी कंपनी के लिए सिक्स थ्री और बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक दो बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक दो पर्सन की कैटेगरी तो याद होगी इंडिविजुअल एच यूएफ फर्म कंपनी एओपी बीवाई लोकल अथॉरिटी एजेपी इस पर्सन के डेफिनेशन में सिक्स वन क्या निकालता है इंडिविजुअल सिक्स टू दो लोग मिलकर घर बनाते हैं एच यूएफ सिक्स थ्री कंपनी तीन प्रकार की होती है पब्लिक प्राइवेट ओपीसी और बाकी सब को उठा के चारों दिशाओं में फेंक दो सिक्स फोर गेटिंग इट मालिक इस तरीके से इसे याद रखा जा सकता है अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट के ऊपर जाते हैं सबसे पहले जाते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सबसे बड़े चेंज फाइनेंस एक्ट में यहीं पे हुए हैं सबसे बड़े चेंज फाइनेंस एक्ट में यहीं पे हुए हैं ये बहुत ज्यादा डीप में जब आप इसका बेरैक्ट पढ़ेंगे ना साहब सच में परेशान हो जाएंगे किसको किस कैटेगरी के अंदर में डाला जाए लेकिन इसको बहुत अच्छे से चार्ट फॉर्म के अंदर में मैंने यहां पे इंक्लूड करके रखा है सो so दैट आप बहुत अच्छी से इसे समझ पाएंगे ठीक है बाजू कर दो अभी इसको अभी हम लोग हमारा ही काम करेंगे इधर आओ गिव द हेडिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल मतलब हम बात कर रहे हैं सेक्शन सिक्स वन की रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल मतलब हम बात कर रहे हैं सिक्स वन की मैंने आपको एक डिफरेंट कलर पेन लेने बोला था यहां पे लिखिए अदर देन थ्री कैटेगरीज लिख दीजिए आपको बाद में समझेगा एज ऑफ नाउ सिर्फ ये लिख दीजिए अदर देन थ्री कैटेगरीज पर्सन कैन आईदा भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अ पर्सन कैन ईद भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट बनना है तो सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन एनी पॉइंट नंबर वन He stays in India for 182 days or more in previous year, or point number two, 60 days in previous year and 365 days in four previous preceding year. प्रभु चलो ये एक रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है इन जनरल लॉ 2019 तक के भी यही था इससे पहले भी यही था और अब भी यही है क्या रूल कहता है अदर देन थ्री कैटेगरी इसके ऊपर दिमाग न लगाओ आगे बढ़ जाओ एक व्यक्ति या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या तो वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है पर्सन कैन ईदर भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है अब आप ये पूछेंगे कि सर रेसिडेंट कब होगा और नॉन रेसिडेंट कब होगा रेसिडेंट अगर हो जाएगा अगर वो सिक्स वन की कोई भी एक एनी 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 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे एनी इसलिए क्योंकि बेरैक्ट में लिखते वक्त यहां पे और लिखा है अगर यहां पे एंड लिखा होता तो वन भी सेटिस्फाई करना पड़ता टू भी सेटिस्फाई करना पड़ता यहां और लिखा है जिसका मतलब या तो हम ये सेटिस्फाई कर ले तो रेसिडेंट हो जाए या तो हम ये सेटिस्फाई कर ले तो रेसिडेंट हो जाए ठीक है प्रभु तो आइए आगे बढ़ते हैं सबसे पहली बात करते हैं अगर उसको रेसिडेंट होना है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को क्या करना पड़ेगा सेटिस्फाई करना पड़ेगा अच्छा साहब दोनों में से कौन सी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा पहला ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एट्टी टू डेज और मोर इन प्रीवियस इय हाय दर्द है दर्द है दर्द है इसमें ही स्टेज इन इंडिया कहां रहना है उसको इंडिया में एक मिनट रुको ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया मतलब हमने कहीं पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है हमने कहीं पढ़ा है क्या हम लोगों ने इंडिया जरा सोच समझ करके मेरे को जवाब दो कि क्या इंडिया चीज हमने कहीं पढ़ी है इंडिया मतलब क्या हाँ इंडिया मतलब हमें सिर्फ दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में रहना होगा पानी में रहा तो वो इंडिया नहीं है हाँ पानी में रहा तो वह इंडिया नहीं है बराबर ना हम्म क्या कहते हो तो आप इंडिया कहीं पढ़ा पड़ा सा लगता है हमको कहा पढ़ा है याद करने दो अरे वो पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है हाँ कहीं तो पढ़ा है इंडिया मतलब वो हवा में कहीं पढ़ा है हाँ कहीं पढ़ा है बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा इंडिया की डेफिनेशन के अंदर में पढ़ा है तो इंडिया मतलब हमें पता है इंडिया का मतलब क्या सिर्फ लैंड मास हुआ आंसर इज नो इंडिया का मतलब हमारा लैंड मास वाटरवेज अप टू टू हंड्रेड माइल्स एयर स्पेस अबाउ सी बेस ये पूरी चीज हम लोगों ने पढ़ी है तो ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एट्टी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर स्टॉप स्टॉप ये जहां भी आपने लिखा होगा सीधा उसके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ इसके नीचे ऑलमोस्ट 10 से 12 लाइन खाली छोड़ देना इस चार्ट के नीचे ऑलमोस्ट 10 से 12 लाइन मिनिमम में खाली छोड़ देना ज्यादा भी छोड़ सकते हो तुम्हारे हिसाब से ठीक है कुछ नोट नेक्स्ट पेज पे जाकर के कुछ नोट करना नोट नंबर वन आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्या है 2021 आप सभी के लिए जो भी बच्चे मई जून या नवंबर दिसंबर 21 दे रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या है प्रीवियस ईयर उनके लिए 2021 है अरे हाँ उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या है 2021 है तो ध्यान से सुनना प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में उनको कितने दिन रहना है डेज और मोर 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में अगर वो है तो यस वो क्या कहलाएंगे रेसिडेंट कहलाएंगे आपका प्रीवियस ईयर फॉर यहां पे लिख दीजिए फॉर मे ऑब्लिक जून 21 और नवंबर ऑब्लिक डिसंबर 21 के लिए आपका प्रीवियस ईयर है 2021 प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर में उसने 182 डेज या मोर इंडिया में रहना है आपके मन में एक सवाल आएगा सर डॉट वन डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट 182 एटी और मोर बोला है क्या बोला है 182 डेज और मोर बोला है डॉट वन एटी टू डेज भी वो रेसिडेंट के कैटेगरी में आ जाएगा अब मेरे मन में एक सवाल है जरा ध्यान से सुनना। नोट जो लिखाऊंगा उतनी लिखना ये हो गई पहली नोट ठीक है अब दूसरी नोट लिखेंगे लेकिन उसके पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है देखो हुआ ये मिस्टर मुगैम्बो मिस्टर मुगैम्बो 90 डेज रहे मुंबई के अंदर में 60 डेज रहे दिल्ली के अंदर में फोर्टी डेज रहे चेन्नई के अंदर में एंड लेट से ट्वेंटी डेज रहे अंडमान एंड निकोबार में लिखना मत जो बोलूंगा सिर्फ वही लिखना अंडमान एंड निकोबार में रहे आप मुझे बताइए क्या ये रेसिडेंट है या नहीं है जल्दी से बताइए क्या ये रेसिडेंट है या नहीं है बोलो साहब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए नाइनटी सिक्सटी फोर्टी ट्वेंटी योर है दो दस दिन आप मुझे बताइए क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस सर वो रेसिडेंट है सर एक मिनट कैसे रेसिडेंट हुए वो एक जगह थोड़ी देसीडेंट हुए वो एक जगह थोड़ी वन एटी टू डेज आप बोल रहे हो रेसिडेंट है कैसे रेसिडेंट है वो एक सौ बीस दिन वन एटी टू डेज एक जगह पे थोड़ी दे वो तो घूम रहे थे अरे भाई साहब वो तो घूम रहे थे एक मिनट घूम भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं लॉ ने ये नहीं कहा कि तुम्हें घूमना नहीं है एक ही जगह पे टिक के बैठना है लॉ ने बड़ी सीधी सी बात कही ही स्टेज इन इंडिया ही स्टेज इन इंडिया इंडिया में वो कहीं पे भी वन एटी टू डेज रहे यानी क्या मैं इसी चीज को ऐसा कह सकता हूं स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट स्टे ऐट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट ये 182 हमें कैसे भी कंप्लीट करना है ऐसा नहीं है कि वन एक ही जगह पे 182 एटी डेज रहना है सो स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट एक ही जगह पे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कह सकता हूं मैं बिल्कुल कह सकते हो सर एक ही जगह पे रहना जरूरी नहीं है 182 एटी टू डेज इंडिया में रहना है एक ही जगह पे रहना है ऐसा नहीं कहा ने। यस yes. चलिए थोड़े से फैक्ट बदलता हूं लिखना कुछ नहीं है जो बोलूंगा बस उतना ही लिखना है ये लिख लो स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट बराबर आगे आओ आगे आओ ध्यान दे सुनो आगे आओ अब मैं कुछ और फैक्ट्स बदल रहा हूं मान लो यही मिस्टर मुगेम्बो अप्रैल से लेकर जून तक के इंडिया में था जुलाई के अंदर में भाई साहब चले गए थाईलैंड मेडिटेशन करने के लिए फिर अगस्त से लेकर के सितंबर तक वो वापस इंडिया आए अक्टूबर में चले गए लास वेगस मेडिटेशन करने के लिए नवंबर दिसंबर में वो फिर इंडिया आए जनवरी में चले गए पेरिस मेडिटेशन करने के लिए फेब्रवरी और मार्च में वो फिर इंडिया आए आदमी बड़ा अमीर था घूमता फिरता रहता था बताइए क्या वो रेसिडेंट है या नहीं क्या वो रेसिडेंट है या नहीं मुगैम्बो की डिटेल्स पढ़ करके मुझे समझाइए क्या वो रेसिडेंट है या नहीं सब बच्चे कह रहे हैं रेसिडेंट है सर अरे कैसे रेसिडेंट है मेरे भाई वो एक ही कंट्री में थोड़ी ना वो तो मल्टीपल कंट्री घूम रहा है वो तो मल्टीपल कंट्री घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि सर वो रेसिडेंट है क्या सीखा मेरे बच्चे ने इससे मेरे बच्चे ने इससे ये सीखा कंटिन्यू स्टे इन वन कंट्री इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट जैसे कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट वैसे ही कंटिन्यू स्टे इन वन कंट्री इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है 182 जो है ये आपको कंटिन्यूसली इंडिया में ही सर्व करना है आहा कैसे भी करके वन एटी टू आपको सर्व करना है समझ में आई बात इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इधर भी है बाहर आ भी जा भी रहा है अब जैसे केस केस ले लीजिए कोई भी फिल्म एक्टर का राइट कोई भी आर्टिस्ट का आर्टिस्ट बार बार बाहर आते जाते रहते हैं आप एक ले लीजिए अनुपम खेर साहब उनकी ऑलरेडी एक सीरीज चालू है न्यूयॉर्क के अंदर में अब ऐसे केसेस में राइट अब ऐसे के अंदर में हमें इंडिया होना क्या नहीं कैसा भी चलेगा वन एटी टू डेज इंडिया के अंदर में होना चाहिए सो इससे क्या सीखा मेरे बच्चे ने इससे मेरे बच्चे ने सीखा कंटिन्यू स्टे इन वन कंट्री ज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट ऐसे कई चीज कई लोग हो सकते हैं बिजनेसमैन है बाहर आते जाते रहते हैं क्रिकेटर्स देख लीजिए एथलीट्स देख लीजिए आर्टिस्ट देख लीजिए आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे इन लोगों के जो आते जाते रहते हैं और कुछ नहीं तो एज ऑफ नग मालीव ही घूमने निकल जा रहे हैं ये yes सो नो no? लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं पर्पज के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे कि वो बाहर क्यों गया ये सो नो शादी के बाद घूमने गया हो सकता है वो घूमने क्यों गया इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे इंडिया में कितने दिन है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं पर्पज इज इलेवेंट वो घूमने गया होगा मान लीजिए बचपन से सोच रहा था वो कि भैया ट्वेल्थ पास करूंगा तो मैं बाहर यू नो गोवा जाऊंगा फिर वो सोच रहा था ट्वेल्थ के बाद कि भैया फाउंडेशन पास कर लूंगा तो गोवा जाएगा फिर इंटर की भी क्लास शुरू हो गई अब वो सोच रहा है कि यार इंटर एटलीस्ट एक, एक ग्रुप क्लियर कर लूँ फिर मैं गोवा जाऊंगा और अब पता चलता है कि भैया आप सीए बनने तक के कभी गोवा गए ही नहीं ये सोनो तो ऐसा भी होता है ध्यान रखिएगा कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट कंटिन्यू स्टे इन वन कंट्री इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट यहां तक बच्चे को समझ में आए हम बहुत डीप जा रहे को पकड़ के लेके आ रहे कि मन में इतना सवाल भी ना बचे क्योंकि हमारा मंत्र तो बड़ा क्लियर है पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो सवाल आगे बढ़ाता हूं मैं ठीक है मिस्टर मोगैम्बो के लिए सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनना सर हुआ यू के मिस्टर मुगैम्बो जो थे ना अब किसी लड़की का नाम लेकर के आते हैं मुगैम्बो हटाओ मिस मिस गोनिका मिस गोनिका को लेकर के आते हैं अब हुआ ये मिस गोनिका एक कौन है फ्लाइट अटेंडेंट है फ्लाइट अटेंडेंट है एयर होस्ट्रेस है ये एयर हॉस्ट्रेस दीदी ये हॉस्टर्स दीदी क्या करती है आपको पता है ये हॉस्टर्स दीदी रोज दुबई से रात में इंडिया आती है बराबर है है फ्लाइट से रात भर इंडिया में रुकती है, और फिर दुबई निकल जाती है दूसरे दिन बराबर ध्यान से सुनना सो so, गौनिका एक एयर हॉस्टर्स दीदी एयर हॉस्टर्स दीदी रोज दुबई की फ्लाइट पकड़ती है इंडिया आती है इंडिया में रात भर स्टे करती है दूसरे दिन सुबह की फ्लाइट से दुबई वापस निकल जाती है ऐसा वो डेली कर रही है ऐसा वो डेली कर रही है अब एक सवाल उठा अब उन्हें रेसिडेंट कैसे माना जाए या नहीं माना जाए लॉजिक समझिए मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूं वो इंडिया के अंदर में टेंटेटिवली कितने देर के लिए है ये समझिए वो टेंटेटिवली इंडिया के अंदर में कितने दिन के लिए टेन टू ट्वेल्व आवर्स के लिए इंडिया में है बराबर है अब एक सवाल बहुत लॉजिकल सवाल सीबीटीटी के सामने आया कि क्या टेन टू ट्वेल्व आवर्स आप इंडिया में हैं तो इसे वन डे काउंट किया जाए एक बड़ा सवाल है ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया में आ रहे हैं कुछ घंटे बिताते हैं और निकल जाते हैं तो ये जो डे काउंट कर रहे हैं हम ये कैसे काउंट किया जाए क्या 10 से 12 घंटे को एक दिन काउंट किया जाए जबकि जनरल रूल काउंटिंग का तो यह है कि 24 घंटे को एक दिन मानना होता है कौन कौन हो सकता है ऐसे ऐसे कई एक्टर्स हो सकते हैं आर्टिस्ट हो सकते हैं लोग हो सकते हैं जो इंडिया के अंदर में आते हैं लेवर करते हैं लेवर मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट इंडिया से इंडिया में लेवर किया एक दिन रुक गए फ्लाइट दूसरे दिन है एयर होस्टेस शिप क्रू मेंबर्स एयर क्रू मेंबर्स शिप क्रू मेंबर्स ये लोग हॉल्ट लेते हैं अब सवाल उठा कि इनको नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट किया जाए क्या ये जो 10 से 12 घंटे रुक रहे हैं अब जैसे गोनिका की बात कर ले गोनिका 10 से 12 घंटे रुक रही है तो क्या गोनिका को एक दिन काउंट किया जाए 10 से 12 घंटे जो रात में वो रुक रही है या फिर 24 घंटे को वनडे माना जाए आपके हिसाब से अगर आप सीबीडीटी में होते तो क्या कंसिडर करते जल्दी से बताइए आप सीबीडीटी में होते तो क्या कंसिडर करते के आईसी की क्विक जल्दी बोलो आप होते तो क्या कंसिडर करते क्या दस से बारह को हम एक दिन माने मतलब जितने पीरियड वो इंडिया में है उसी को एक दिन मान लिया कि पूरे घंटे को एक दिन माना जाता आवर्स इज इक्वल टू वन डे काउंट हो सकता है क्या नहीं पता मैं वही जवाब दे दूंगा तो आंसर ही बाहर आ जाएगा इसे हाफ डे काउंट करना चाहिए अच्छा चलिए किशन अगर आप कहते हैं इसे हाफ डे काउंट करना चाहिए तो कोई व्यक्ति अगर सिर्फ चार घंटे के लिए आ रहा है तो आप उसको क्या काउंट करोगे अच्छा जी ट्वेंटी फोर आवर अंशिका ये कह रही है हाफ डे मान लो सर इसको दो नाइट्स को एक दिन मानो ट्वेल्व आवर्स को वन डे माना जाए नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लिया जाए ऐसे अलग अलग जवाब आप सभी के तरफ से मेरे को आ रहे हैं खैर सीबीटी के सामने आपके सामने तो ये सवाल अब आया है सीबीडीटी के सामने ये सवाल बहुत पहले आ गया और सीबीडीटी ने इस बात का जवाब भी दे दिया सीबीडीटी ने इस बात का जवाब भी दे दिया आपको बताया है सीबीडीटी ने क्या कहा सीबीडीटी ने कहा देखो यार ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम इसके ऊपर एक कानून बना देते हैं कानून ला दिया गया ट्वेंटी फोर आवर्स इज टू बी ट्रीटेड एज वन डे और फिर केस में इनका आवरली कैलकुलेशन किया जाएगा आवरली कैलकुलेशन होता है सो so, अगर कैलकुलेशन आवर्स के बेसिस पे होना है तो कैलकुलेशन आवर्स के बेसिस पे भी होता है सर कैसे पता है कौन कब आया क्या आया इनकी एंट्री शीट होती है ये जो शिप क्रू मेंबर्स वाले आते हैं या एयर वाले आते हैं इनकी एंट्री शीट होती है लैंडिंग के ऊपर रिकॉर्डिंग रखी जाती है इनके बोर्डिंग पासिस के हिसाब से फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा अगर एओ को शक है तो अगर एओ को शक है तो ट्वेंटी फोर आवर्स हैजू बी ट्रीटेड एज वन डे ये बात क्लियर हो गई साहब अच्छा जी चलो आगे बढ़ते हैं Law क्या था लॉ पे वापस जाते हैं इफ स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू मोर इन प्रीवियस ईयर डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे तो हम उसे क्या मान लेंगे रेसिडेंट मान लेंगे ठीक है साहब आप उसे क्या मान लेना रेसिडेंट मान लेना और ट्वेंटी फोर आवर इज टू बी एज वन डे अब आगे बढ़ते हैं अगर वन एटी टू डेज नहीं भी रहा तो और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस द प्रिसडिंग ईयर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर इसे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भी कहा जाता है इसका क्या मीनिंग हुआ अंडरस्टैंड पीपीवाई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्या है 2021 1920 1819 1718 1617 ये हुआ प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के पहले ईयर्स को हम क्या कहते हैं प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर बड़े सिंपल शब्दों में आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर तो कॉमन हो गया 2021 इसके पहले के जितने भी साल हुए ऐसे हम कहते हैं प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इसे दो अलग स्लैंग प्रीवियस ईयर पर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर भी इसे बोला जाता है तो सर ये एक और पॉइंट समझिए अब लॉ क्या कह रहा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर समझा पीपीवाई समझा सभी को अब इधर देखना अब लॉ क्या कह रहा है लॉ कह रहा है सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव एंड 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 365 सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर अच्छा तो हम क्या मान लेंगे आपको हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे हम क्या मान लेंगे रेसिडेंट मान लेंगे अच्छा जी साहब ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल ले रहा हूं लिखना बिल्कुल नहीं है लिखना बिल्कुल नहीं है समझ लो मिस्टर बॉन्ड मिस्टर बॉन्ड लिखना नहीं है सिर्फ समझना है ठीक है प्रीवियस ईयर 2021 में नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर में रहे 200 ध्यान से सुनना ठीक है 1920 1819 1718 1617 ध्यान से सुनना यहाँ पे वो रहे 100 यहाँ पे वो रहे 60 यहाँ पे हो रहे 70 यहाँ पे हो रहे 80 बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है मिस्टर बॉन्ड प्रीवियस ईयर के अंदर में मिस्टर बॉन्ड प्रीवियस ईयर के अंदर में 200 डेज रहे और बचे हुए इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर में वो रहे इन नंबर ऑफ डेज में आप बताइए वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है जल्दी से बताओ KWIC के डब्ल्यू की क्विक अच्छा जी तो कुछ जवाब आ रहे हैं रेसिडेंट है अब तक एक ही जवाब आया नॉन रेसिडेंट बेटा शिवम प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो आप देखोगे तो वो क्लियर कट रेसिडेंट है क्यों बाकी सब छोड़ो बाकी सब छोड़ो आप देखो तो वो रेसिडेंट बन जाता है सिक्स वन वन के हिसाब से सिक्स वन वन क्या कहता है सेक्शन सिक्स वन वन कहता है इफ स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर अगर वो वन एटी टू डेज और मोर प्रीवियस ईयर में है प्रीवियस ईयर क्या है अपना प्रीवियस ईयर है अपना 2021 प्रीवियस ईयर में वो 200 डेज है मतलब मोर देन 182 डेज है बाय डिफॉल्ट में रेसिडेंट हो गया कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है नीचे की तो करने की जरूरत ही नहीं है पहली कंडीशन में वो क्या मिल गया रेसिडेंट मिल गया गेटिंग इट और नॉट अब आते दूसरे सवाल के ऊपर लिखना नहीं है सिर्फ समझना है जब बोलू तब लिखना अब बताओ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट अब बताओ एक जवाब रेसिडेंट दूसरा जवाब रेसिडेंट तीसरा जवाब आयुषिका नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट जिन जिन ने रेसिडेंट कहा प्रोविजन एक बार फिर से देखिए रेसिडेंट कब होता है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है पहली कंडीशन को पहले ढूंढते क्या वो 182 डेज है आंसर इज नो दूसरी कंडीशन है हमारे पास एटलीस्ट कितने दिन चाहिए 60 डेज चाहिए क्या वो 60 डेज भी है आंसर इज नो ना सिक्स वन वन सेटिस्फाई हो रहा है ना सिक्स वन टू सेटिस्फाई हो रहा है स्ट्रेट अवे वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट एटलीस्ट सिक्सटी डेज तो भी उसने रहना चाहिए था वो एटलीस्ट सिक्सटी डेज भी नहीं है मेरे बच्चे जब वो एटलीस्ट सिक्सटी डेज भी नहीं है तो वो रेसिडेंट ही नहीं है आई होप यू आर गेटिंग दिस अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं अब बताओ वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है बहुत सिंपल कंसेप्ट है तुम बेसिक मिस्टेक कर रहे हो सबसे पहले रेसिडेंट के लिए 182 एटी टू डेज चाहिए क्या वो है आंसर इज नो हमें कंडीशन टू पे जंप करनी होगी कंडीशन टू क्या कह रही है एटलीस्ट सिक्सटी डेज एटलीस्ट लीस्ट सिक्सटी डेज है यस yes. पर सिर्फ सिक्सटी डेज बोला है क्या नहीं सिक्सटी डेज एंड थ्री सिक्सटी फाइव होने चाहिए सिक्सटी डेज प्रीवियस ईयर में होना और चार प्रीवियस प्रिस ईयर में थ्री सिक्सटी फाइव होना तो जरा ध्यान से सुनिए प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज है लेकिन चार प्रीवियस ईयर में 365 है नहीं ये अगेन नॉन रेसिडेंट बन गया ये अगेन क्या बन गया नॉन रेसिडेंट क्योंकि 60 एंड 365 बोला है मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी होगी समझ रहे हो कितने चांसेस है इंस्टीट्यूट को तुम्हारे पास घुमाने के लिए कितने चांसेस है इंस्टीट्यूट तुम्हें घुमा सकता है और एक एग्जाम्पल लो अब बोलो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट जवाब आ रहे हैं रेसिडेंट के अब भी एक जवाब नॉन रेसिडेंट दो जवाब नॉन रेसिडेंट तीन जवाब नॉन रेसिडेंट ठीक है साहब चेक करते हैं हम लोग वापस से 611 में जाते हैं 182 डेज नहीं है 612 में जाते हैं 60 डेज वो प्रीवियस ईयर में है है अब आपके मन में सवाल उठा 365 का, का काउंटिंग कैसे होना चाहिए क्या हर साल चारों सालों में 365 होना चाहिए देख रहे हो लॉ का इंटरप्रिटेशन लॉ लॉ का इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो हर साल वो चारों साल में 365 होना चाहिए या चारों मिला के 365 होना चाहिए यहां फंस गए आप लॉ का इंटरप्रिटेशन है चारों साल मिला के 365 होना चाहिए चारों साल मिला भी लिए तो 360 होता है ये फिर नॉन रेसिडेंट हो गया ये फिर नॉन रेसिडेंट हो गया क्या सीखा हमने प्रॉब्लम से ये सीखा कि हर साल 365 नहीं होना चारों साल मिला के थ्री सिक्सटी फाइव होना ये yes no? यहां भी नॉन रेसिडेंट हो गया चलो लास्ट क्वेश्चन देता हूं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने हंड्रेड वन जीरो टू नाइंटी एट वन जीरो फाइव सेवन बताओ रेसिडेंट या नॉन इस बार किसी ने गलती नहीं की इस बार किसी ने गलती नहीं की एटलीस्ट सिक्सटी डेज प्रीवियस ईयर चारों मिला के थ्री सिक्सटी फाइव हो गए बहुत बढ़िया कौन बन गया बेटा वो रेसिडेंट समझ में आया क्या समझ में आया क्या आपको नहीं लगता अब ये एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए मैंने पहले आपको जानबूझ के लिखने नहीं बोला क्योंकि आप फिर वो लिखने में चले जाते और कंसेप्ट नहीं हो पाता अब आराम से लिखो इसको एवरीबडी डन आगे बढ़ेंगे प्रभु चलो बढ़ते हैं आगे सर अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है ध्यान से सुनना लॉ बड़ा क्लियर था साहब लॉ बड़ा क्लियर था मैंने लॉ के तरफ गया फिर से लॉ कहता है रेसिडेंट मान लूंगा कब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो पॉइंट नंबर वन ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्स डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर यस और नो ओके मालिक लेकिन अब देखो कुछ लोगों के दिमाग किस तरह से चल सकते हैं एक इश्यू ये अराइज हुआ कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल नंबर टू समझना लिखना बाद में पहले समझ लेना ठीक है प्रीवियस ईयर के अंदर में हम रहे लेट से हंड्रेड डेज प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी के अंदर में हम रहे हंड्रेड डेज प्रीवियस ईयर फोर्टीन फिफ्टीन के अंदर में हम रहे हंड्रेड डेज प्रीवियस ईयर ट्वेल्व थर्टीन के अंदर में हम रहे हंड्रेड डेज प्रीवियस ईयर नाइन टेन के अंदर में हम रहे हंड्रेड डेज प्रीवियस ईयर सिक्स सेवन के अंदर में हम रहे हंड्रेड डेज अब बताइए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है अब बताइए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है जल्दी से बोलो साहब नॉन रेसिडेंट एक ने कहा नॉन रेसिडेंट दूसरा कह रहा है रेसिडेंट मानू तो मानू किसको समझ नहीं आ रहा किसे मानू क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा नॉन रेसिडेंट कहे जा रहे हैं लोग ये देखो ना कंडीशन सेटिसफाइड है सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज की जगह फोर हंड्रेड कर दिया एटलीस्ट थ्री सिक्सटी फाइव चाहिए था हो गया ना कंडीशन सेटिस्फाई रेसिडेंट होना चाहिए कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग वन ऑफ द केस अब देखो लॉ मेकर ने तो लॉ लिख के रख दिया लेकिन जब आप इंटरप्रिट करने जाते हो तो कितने तरीके बाहर आते है? हो सकता है जिस चीज को आप नाइन देख रहे हो वो मेरे एंगल से तो सिक्स दिख रही हो ना अरे एवरीबॉडी आप जिसको नाइन देख रहे हो वो मेरे एंगल से सिक्स दिख रहा हो जरूरी थोड़ी ना आपने कहा सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर लो हो गया आपने ये कहा कंटिन्यूस प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर आपने ये कहां का कंटिन्यूस फॉर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर ये चीज को वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए लॉ के लिए क्लैरिटी लानी पड़ी यहां कंटिन्यूस फॉर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर करना पड़ा लॉ को सीविडिटी को क्लैरिटी लानी पड़ी कि ये फोर प्रीवियस प्रीसिडिंग ईयर का मतलब कंटिन्यूस फॉर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है क्योंकि ऐसी हरकतें हो रही थी ऐसी चीजें डिपार्टमेंट के सामने अराइज हो रही थी आप समझ रहे हो बात को कितना डेंजर एस्पेक्ट बनते हैं लॉ इंटरप्रिटेशन कितना बड़ा एस्पेक्ट बन जाता है यस yes, लॉ इंटरप्रिटेशन देख लो आप कितना बड़ा एस्पेक्ट बन जाता है सो ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई न कर पाए ना ए न बी न टू आप स्ट्रेट अवे कौन बन जाओगे नॉन रेसिडेंट आपका कैटेगरी बन जाएगा नॉन रेसिडेंट आप नॉन रेसिडेंट क्लासिफाई हो सकते हो भले ही आप इंडियन सिटीजन क्यों ना हो आई रिपीट आप इंडियन सिटीजन ही क्यों ना हो पर आप नॉन रेसिडेंट क्लासिफाई हो सकते हो पक्की बात बिल्कुल पक्की बात कैसे मान लीजिए आप इंडियन सिटीजन है काम करने के लिए चले गए दुबई आपकी शादी हो गई आउट ऑफ इंडिया सोनो yes no? आप काम करने के लिए रह रहे हो आउटसाइड इंडिया आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हो आप घूमने के लिए गए हो साल भर से घूम ही रहे हो ये सोनो फीक आप घूम रहे हो तो अब बताइए आप हो तो इंडियन सिटीजन वो यूट्यूबर है ना टेक्निकल गुरुजी टेक्निकल गुरुजी के बारे में अगर हम देखे इज एन इंडियन सिटीजन बट लिव्स इन दुबई तो इंडियन में क्या क्लासीफाई हो जाएंगे नॉन रेसिडेंट क्लासीफाई हो जाएंगे ये yes सोनो no? इंडिया में क्या क्लासीफाई हो जाएंगे नॉन रेसिडेंट क्लासीफाई हो जाएंगे क्यों बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट इंडियन सिटीजन होते हुए भी आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हो यस इंडियन सिटीजन होते हुए भी आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हो गेटिंग इट मालिक आ जाओ आगे बढ़ते हैं पेज नंबर वन देखना डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन सिक्स वन अस अदर देन कवर्ड इन थ्री कैटेगरी मीन्स इन जनरल दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ इट सेटिस्फाई एनी आप देख सकते हो खुद हाईलाइट करके मैंने बुक में रखा है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और स्टेज इन इंडिया फॉर सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर ठीक है नीचे आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है इसमें से भी कई पॉइंट हमने पढ़ लिया हम वो देख रहे हैं सबसे पहले यहां पे उन्होंने वापस रिपीट किया है इंडिया का क्या मीनिंग है इंडिया का क्या मीनिंग है उन्होंने वापस किया है अच्छा एक सवाल और है जो हमें बेसिक्स में लिखना है वो हम लिखेंगे रुक जाओ एक और पॉइंट क्या था एक और पॉइंट ये है कि सर मान लीजिए जिस दिन वो जा रहे हैं और जिस दिन वो आ रहे हैं डॉट वन एटी टू हुआ तो मतलब वेदर द डे लिविंग इंडिया एंड द डे कमिंग टू इंडिया आर दे काउंटेड वाइल कमिंग यू नो वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज इन इंडिया आर दे काउंटेड आंसर इज येस सिक्स पॉइंट लिखिए द डे ही लीव्स इंडिया एंड द डे He comes to India. Both are counted. The day he leaves India and the day he comes to India. नीचे आओगे यहां पे देखिएगा वेयर द एग्जैक्ट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम इज नॉट अवेलेबल देन द डे ही कम्स टू इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया इज काउंटेड एज स्टे इन इंडिया सो द डे ही कम्स इन इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया बोथ आर काउंटेड वही चीज वेल डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस द डे ऑफ लिविंग एंड रिटर्निंग टू इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया स्टे मींस एनी वेयर इन इंडिया ये वही चीजें जो हमने लिखी है द स्टे मीन्स एनी वेयर इन इंडिया एंड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम एट ईच प्लेस इनकेस वे इन इंडिया एट मोर प्लेसेस विक्वायर्ड इज टोटल पीरियड ऑफ स्टे शुड नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ डे स्पेसिफाइड इन ईच सेक्शन इंडिया में आप कहीं पर भी रह सकते हो एक ही जगह एक ही लेना जरूरी नहीं है वॉट इज इंपॉर्टेंट कि आप इंडिया के अंदर में रहें द फैक्ट दैट एन एस एसी इज रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ वन ईयर डज नॉट ऑटोमैटिकली मीन दैट ही वुड बी रेसिडेंट इन द प्रिस और सक्सीडिंग ईयर एज वेल अगर एक बार एस एससी रेसिडेंट हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर में और असेसिंग ईयर में अंदर में वो रेसिडेंट होगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एस एस सी शुड बी डिटरमाइंड ईच ईयर सेपरेटली रेसिडेंशियल status of the SSE should be determined each year separately. This is in the view of the fact that a person resident in one year may become non-resident or RNOR in another year or vice versa or another year or vice versa. Yes. Achaji. अब तक लॉ क्या था अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रहा हूं इस चार्ट पे वापस आओ अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बराबर है इसको एरो करके रेसिडेंट के नीचे और दो पार्ट बनाओ आरओ आर 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 ओ आर Section six if they satisfy both the conditions are resident and ordinarily resident. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आर एनओ आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट सर ये क्या भारी भारी वर्ड आप बोल रहे हो रुक जा रहे पहली बार जब तूने टैक्स पढ़ा था तो वो भी तेरे को भारी ते लग रहा था आर ओ आर आर एनओ आर आर ओ आर के लिए क्या कंडीशन है पहला पहला ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर एंड Stays in India for one eighty two days or more. Sorry, stays in India for seven thirty days or more in seven previous preceding year.

फिर लिखा है आर ओ आर डन सर प्रभु चलो आ जाओ अब जरा ध्यान से सुनना आरओ आर आर एनओ आर दो अलग अलग वर्ड कह रही है दिया आगे बढ़ते हैं इफ दे सैटिस्फाई बोथ द कंडीशन इफ दे सैटिस्फाई बोथ द कंडीशन ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिडिंग इंड सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रीसिडिंग ईयर

सेक्शन सिक्स सिक्स कहता है हम किसी भी व्यक्ति को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मानेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट अगर एक प्लेन लैंग्वेज में बोलू तो यही पैदा होगा और शायद यही मर जाएगा जो यही रहता है रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरीली भी वो इंडिया में ही रिसाइड करता है जाना भी है तो बस बाहर जाके घूम करके आ जाता है या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करके आ जाता होगा बट अदरवाइज वो इन जनरल इंडिया में ही रहता है Resident, not resident, इसके कई हो, सकते हैं। हो सकता है कोई बाहर से इंडिया में डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया वो 182 से रहा, वापस चला गया अब रेसिडेंट तो हो गया वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है क्या? नहीं मान लो कोई लॉकडाउन के पहले आया लॉकडाउन के बाद इंडिया में अटक गया या उसको जाने नहीं मिल रहा है 182 से वो इंडिया के अंदर में रह गया वो रेसिडेंट तो बन गया पर क्या ऑर्डिनरीली वो इंडिया में रिसाइड करता है नहीं तो उसे भी टैक्सेशन थोड़ा अलग देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कोई रेसिडेंट बन गया इसका मतलब यह नहीं कि उसको हायर टैक्सेशन में ला दो इसके कई रीजन हो सकते हैं इसीलिए एक और कैटेगरी बनाई गई आर ओ आर आर एनओ आर अब कोई भी व्यक्ति आर ओ आर है मतलब वो प्योरली रेसिडेंट इंडियन सिटीजन है यस yes? कैसे डिटरमाइन किया जाता है सर कैसे डिटरमाइन किया जाता है ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर दस में से कोई भी दो साल दस में से कोई भी दो साल वो रेसिडेंट होना चाहिए आई रिपीट एनी टू इयर्स ही शुड बी रेसिडेंट आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर मीनिंग समझते हैं इसका एग्जाम्पल साथ साथ में लिखना चाहो तो अच्छा है एग्जाम्पल साथ, साथ में लिख लेना एग्जाम्पल नंबर थ्री Nineteen twenty, eighteen nineteen, seventeen eighteen, sixteen seventeen, fifteen sixteen, fourteen fifteen, thirteen fourteen, twelve thirteen, eleven twelve. 20 Previous year. बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा एक जवाब आता है मेरे पास आरओ आर बहुत बढ़िया जवाब आता है आर ओ आर फिर जवाब आता है नॉन रेसिडेंट कैसे करूं मैं तुम्हारा ऐसे स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे बात करोगे तो कैसे काम करूं मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर नॉन रेसिडेंट मैं भी इस बात को अग्री करूंगा क्यों पहले तो तुम ये देखो क्या वो रेसिडेंट है क्या उसके आगे की बातें आगे करना पहले तो ये देखो वो रेसिडेंट है क्या यहां ना वो 182 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना वो 60 डेज वाला कर रहा है ही स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट और जब वो नॉन रेसिडेंट है तो आर ओ आर आर एनओ आर एनआर वाले तो गेम ही नहीं है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस सबसे पहले तो उसे रेसिडेंट बनाना होगा और फिर इसे कुछ और बनाना होगा चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब बताओ क्या होगा 72, टू 240, 300, 365, फोर्टी थ्री डैश डैश थ्री डैश थ्री अब बोलो अब बच्चों के जवाब आ रहे हैं आर ओ आर है सर मैंने कहा क्या कहा यस सर आर ओ आर है सर मैंने कहा नहीं कैसी बातें कर रहे हो कहा नहीं, नहीं बेटा किशन और जैनेश मैं दोनों को बता दूं हम सिर्फ रेसिडेंट रेसिडेंट नहीं खेल रहे अब हम आगे बढ़ गए बताओ आरओ आर है, है, उसे रेसिडेंट तो है 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 ही ये ये डिटरमाइन डिटरमाइन करो चलिए करना सीखते हैं सबसे पहला स्टेप आर ओ आर या आर एनओर बनाने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें क्या बनाना जरूरी है रेसिडेंट बनाना जरूरी है तो चलिए रेसिडेंट की कंडीशन पे चलते हैं सबसे पहले रेसिडेंट ढूंढो वो रेसिडेंट है क्या तो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर वाली कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर रहा है एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर होना चाहिए ये है फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर क्या वो 365 से ऊपर है यस yes. यानी यहां पे एक बात तो श्योर हो गई कि बॉस वो कौन है रेसिडेंट है अब इसे हमें फर्दर क्लासिफाई करना है या तो RNR बनाएंगे या तो ROR बनाएंगे ROR कहता है कोई भी 10 में से 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए Resident किसी भी कैटेगरी के हिसाब से अब अगर तुम इस ईयर में देखो कि क्या वो रेसिडेंट है क्या इस ईयर में पिछले दस प्रीवियस में से कोई भी दो साल रेसिडेंट होना वो है क्या देखते हैं सिक्सटी डेज इन प्रीवियस इयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर यस इस साल में भी वो रेसिडेंट रहा होगा यहां तो बाई डिफॉल्ट में रेसिडेंट हो जाता है बिकॉज वन एटी टू डेज से ज्यादा होना चाहिए यहां भी बाय डिफॉल्ट में वो रेसिडेंट हो जाता है दस में से कोई भी दो साल दस में से कोई भी दो साल रेसिडेंट होना चाहिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दस में से कोई भी दो साल उठा लो रेसिडेंट मिल गया पहला कंडीशन सेटिस्फाई ठीक है दूसरा कंडीशन एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज रहना चाहिए सेवन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में हमने कहा ठीक है सात प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में से कोई भी सात प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर जो कंटिन्यूस सात प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है उसमें से एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज उसने होना चाहिए चलो ठीक है यह भी देख लेते हैं सेवन थर्टी बन रहा है क्या प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर उठाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हुए सेवन प्रीवियस ईयर काउंट करो क्या वो सेवन थर्टी डेज से ऊपर है यस yes, डेज एक्सीड सेवन थर्टी डेज एक्सीड सेवन थर्टी चेक कर लो वन ट्वेंटी प्लस टू फोर्टी प्लस थ्री हंड्रेड प्लस थ्री सिक्सटी फाइव प्लस थ्री सिक्सटी फाइव वन थ्री नाइन जीरो टोटल नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यानी क्या मैं कह सकता हूं ही आर ओ आर इज आर ओ आर सबको समझ में आया कैसे देखना है क्या करना है एवरीबडी देन इज आर ओ आर चलो ये तो मैंने सॉल्व किया तुमने क्या किया कुछ नहीं आओ एक और सॉल्व करो करो सॉल्व बताओ आर ओ आर आर न, ओ, आर कुछ लोग रेसिडेंट कह रहे हैं कुछ लोग आर ओ आर कह रहे हैं कुछ लोग आर एन ओ आर कह रहे हैं एक काम करो ना सभी बोल दो जो लोग ब्लाइंडली रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट जवाब दे रहे हैं मेरे हिसाब से आपने प्रोविजन पढ़नी चाहिए और फिर अप्लाई करना चाहिए अच्छा आर ओ आर आर एन ओ आर पक्के जवाब हो गए साहब सबके आर ओ आर आर एन ओ आर आर एन ओ आर आर एन ओ आर आर एन ओ आर पक्का साहब पक्का चलो ये भी सही है आर एन ओ आर पक्का है बोलते हैं साहब पर निखिल मेरा भाई कह रहा है नहीं सर आर ओ आर है अंशिका कह रही है नहीं सर आर ओ आर है चलिए चेक करते हैं बच्चों लॉ फिर से पढ़ो क्या कहता है लॉ पहले रेसिडेंट बनाओ सबसे पहला काम तुम्हारे जिंदगी का उस एसएससी को रेसिडेंट बनाओ रेसिडेंट मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन 182 तो हो नहीं रही क्लियर कट दिख रहा है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर वहां तो 400 हो जा रहे हैं मतलब क्लियर है ये कौन हो गया रेसिडेंट तो वो कंफर्म हो गया लेकिन रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए इसे या तो आर ओ आर बोल करके क्लासीफाई कर दे या तो आर एनओ आर बोल करके क्लासीफाई कर दे हमने कहा ठीक है मम्मी आर ओ आर के लिए दस में से कोई भी दो साल में वो रेसिडेंट चाहिए दस में से कोई भी दो साल में वो रेसिडेंट चाहिए चलो इस साल में वो रेसिडेंट बनेगा क्या यस yes. कौन सा रूल सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर

वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर काउंट करोगे तो वो आएगा सेवन हंड्रेड जबकि हमको चाहिए कितना सेवन थर्टी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पाई और लॉ क्या कह रहा है जरा देखो बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा किसको सेटिस्फाई करना होगा बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा टिसफाई सिक्स इफ फेल्ड टू सेटिसफाई सिक्स सिक्स कौन बन गए भाई साहब भाई साहब बन गए आर एनओ आर भाई साहब कौन बन गए भाई साहब बन गए आर एनओ आर देखा देखा सीखा समझा सर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते क्या मैंने कहा आपसे छे से आठ मार्क ये चैप्टर का है कंपल्सरी है नहीं ऐसा नहीं बोल सकता आप कोई टेंथ ट्वेल्थ वाले बच्चे नहीं है कि ये चैप्टर तो मैंडेटरीली इतने मार्क्स के लिए आता ही है ऐसा कुछ नहीं होता आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में है, ऐसा कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता कि ये इतने मार्क का आएगा ही आएगा नहीं इंस्टीट्यूट भी एक एक्सपेक्टेड लिस्ट देती है कि टेंटेटिवली इतने मार्क्स का है वो उस बेसिस पे है यस प्रभु सभी को समझ में आ गया आर आर कब आर ओ आर कब कैसे डिटरमाइन करना है टू आउट ऑफ टेन ईच एंड एवरीथिंग चलो बहुत बढ़िया बेटा क्या आपको समझ में आया कि आपका डेढ़ घंटा खत्म हो चुका है हम ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा खत्म कर चुके हैं लेकिन आप देख लो सिर्फ एक एक एक, 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 एक पॉइंट को बाहर निकालने में कितना टाइम लगता है लेकिन हाँ इस बात की कंप्लीट श्योरिटी रहेगी कि ये एक 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 पॉइंट आप किसी से भी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं लड़ झगड़ सकते हैं जीतेंगे आप ही समझ में आया क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने चालू किया और रेसिडेंशियल स्टेटस चालू करके रेसिडेंशियल स्टेटस चालू करके आज हमने सिर्फ उसका बेसिक्स पढ़ा कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है अभी तक के सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के डिटरमाइन देटर, करने के लिए हमने पहला कैटेगरी पढ़ा और उसके आरओआर की कैटेगरी पढ़ा इसके किसकी कैटेगरी पढ़ा आरओआर की कैटेगरी पढ़ा पेज नंबर तीन के ऊपर आएंगे तो आरओआर का प्रूफिंग देखते हैं हम लोग एन इंडिविजुअल मे बी आरओआर इन इंडिया इफ ही सैटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन इड सैटिस्फाइंग सिक्स वन सिक्स वन के अलावा और दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस इयर्स एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन सेवन इमीडिएटली प्रिस द प्रीवियस ईयर समझ में आए वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं उनको अप्लाई कैसे करना है डन सर चलिए अब मैं इस सेशन पे आ जाता हूं कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा या इसके आगे का लेक्चर जो पीडीजीडी देख रहे होंगे इसके आगे का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आइए और अब डिस्क्लोज करिए आपकी क्वेरीज क्या है सर कल के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे क्या हां मिल जाएंगे बेटा हम आज नहीं कल कर लेंगे उसको आज मैं इस कंसेप्ट के अंदर ही था तो कब टाइम खत्म हो गया मैंने भी तुरंत टाइम देखा तो मेरे को ध्यान में आया कोई बात नहीं कल कर लेंगे हम उसको और कोई बेटा कुछ सवाल इससे रिलेटेड एनी बड़ी कोई सवाल इससे रिलेटेड थैंक यू सो मच शिवम भाई आई थिंक देर इज नो क्वेरीज विच इज पेंडिंग अगर हो तो प्लीज बताइए आई होप सभी बच्चों ने जो ऑफर चल रहा था न्यू ईयर ऑफर उसके अंदर में अपने ऑर्डर बुक कर लिए होंगे बिल्कुल सही बताया रितेश आपने बिल्कुल सही है उसका इंटरप्रिटेशन वही है मानकर मे ट्वेंटी वन के लिए कोई नया मोटिवेशन नहीं आएगा मोटिवेशन वही रहेगा यूट्यूब पे अवेलेबल है प्लीज जाकर के देखो मेरे चैनल पे इज दैट डन एनी अदर क्वेरी प्लीज टेल मी सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो वो भी तुम लोग साला सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी पूछते ही नहीं हो जीवन में अरे पूछो ना मालिक सामने खड़ा हूं पूछते भी नहीं हो ऐसा कैसे यार मेरे को डर लगना चाहिए तुमने कुछ क्वेरी पूछा तो कैसे पढ़ना चाहिए मतलब क्या बेटा कांसेप्ट तो आप पढ़ ही रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने गेम ओवर चलिए डन सो आई थिंक देर इज नो क्वेरी एज ऑफ नाउ टुडे सर हाउ टू गेट हैंड रिटर्न नोट्स राइट बाई योर सेल्फ ये जो मैं लिख रहा हूं ये तो नहीं मिलने वाला बाकी जो नॉर्मल नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे सर अगर कोई बिजनेस अच्छा सर आप क्वेरीज के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं क्या बात है थैंक यू बेटा सर अगर कोई बिजनेस इंडिविजुअल के फॉरेन जाने के बाद भी शुरू है इंडिया में तो फिर कैसा होगा इनकम कंप्यूटेशन का पार्ट आएगा ना बेटा उसमें देखेंगे चलो मालिक डन अच्छा आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं कल एक स्टूडेंट ने मेरे लिए एक पोएम लिखी थी मैं चाहता हूं उसने भी स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करा था तो मैं खुद चाहता हूं मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी इसे पोस्ट किया मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग को पढ़ के सुनाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट नेम इज़ अब्दुल्ला ने ये लिखा है इज़ अ मे ट्वेंटी वन स्टूडेंट जो ये वीडियो अब्दुल्ला देख रहे हैं सो अब्दुल्ला दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर दिस वर्चुअल में होने के बावजूद भी आपने किसी तरीके से ये किया सो आई रियली लव इट कुछ पोइट्री इस तरह से है जो अब्दुल्ला ने लिखी है हर जंग में होती है जीत आ, हर जंग में होती जिसकी जीत तय है वो हमारे प्यारे सर शारडा विजय है जिनकी हर मुस्कुराहट में एक शरारत सी झलकती है जिनकी हर एक बात डबल मीनिंग सी लगती है साले नाला है मैंने आज तक कभी डबल मीनिंग नहीं कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर वट आई सेड नॉट वॉट यू अंडरस्टूड जिनकी हर बात एक डबल मीनिंग सी लगती है एच ई सी फोर परसेंट एंड सरचार्ज केस टू केस डिफर होता है क्या कहेंगे लोग सर को इस बात का फियर ना होता है कहने को बहुत सी बात है बॉटम लाइन यही है टैक्स की दुनिया में कोई दूसरा विजय सारडा नहीं है सो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर दिस बट आई पर्टिकुलरली फील एवरी टीचर इज डूइंग देयर बेस्ट आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद एनी वन और नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन बट एवरी टीचर इज बेस्ट